इसका न्यूटन के नियम इससे ज्यादा थे। ओके, तो न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चंस देखने में मिला आज? 5-6 मैक्सिमम। कितने क्वेश्चंस आए? साहित्य में इसमें लगभग 4-5 आए थे वैसे। क्या क्या? जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मतलब जीएस में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, फिजिक्स से भी न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे थे, तो आज कैसा आया? आज के में न्यूमेरिकल नहीं थे। हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं, नहीं मतलब न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं थे पिछले के मुकाबले। अच्छा, थियोरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे? हाँ, थियोरेटिकल ज्यादा थे। जीएस में से बताइए नियम जो होते हैं, फैराडे के नियम और उसका न्यूटन के नियम इससे ज्यादा थे। तो न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चंस देखने में मिला आज? 5-6 मैक्सिमम, और बाकी सब थियोरेटिकल। किस किस टॉपिक से आ रहे हैं थोड़ा बताएंगे? फिजिक्स के हैं ज्यादा, पूरा फिजिक्स में ज्यादा है। कितने क्वेश्चंस आए फिजिक्स से? फिजिक्स से 8-10 क्वेश्चन थे। 8-10 क्वेश्चन? हाँ हाँ। बाकी मतलब तो आज कम था फिजिक्स से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कम थे, नियम बहुत ज्यादा थे, थियोरेटिकल थियोरेटिकल ज्यादा था। ओके, और कहाँ से आ रहा है? यूपी जीके से क्या आ रहा है? यूपी जीके से नृत्य वगैरह है, और हमारे ये आर्टिकल है। आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आए? आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे मात्र। दो ही क्वेश्चन है आर्टिकल से? हाँ, दो ही थे। और स्टैटिक पर्सन से क्या क्या आया? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से थे, मुगल काल वगैरह के उस टाइप से वो थे। ओके, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन देखने मिला? करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन होंगे बस। मैं 2-3 क्वेश्चन कब पूछ रहे हैं? करंट अफेयर के अभी ये प्रधानमंत्री वगैरह ये जो अब रिसेंट के यही पूछ रहे हैं। रिसेंट के ही पूछ रहे हैं। ओके, उसमें पुलिस अधिनियम, आईपीसी धारा, सीआरपीसी धारा, इनमें से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, मतलब ऐसे पूछा है कि अगर पुलिस में ये नियम है तो ये मतलब उसके लिए ठीक है या नहीं, उसके मतलब उसको किस चीज़ की सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसे इस तरीके से पूछे हैं। ओके, मतलब जीएस में इजी ही लगा? हाँ, जीएस और हिंदी भी ठीक थी। हिंदी का बताइए, हिंदी रीजनिंग प्रियावची वगैरह थे, प्रियावची रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी, रीजनिंग और मैथ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदी में क्या क्या आ रहा है? हिंदी में साहित्य से कितने क्वेश्चन देखने को? साहित्य से बुक्स वगैरह पूछी है, 4-5 क्वेश्चन थे साहित्य से। 4-5 क्वेश्चन? हाँ, और उसमें प्रियावची बहुत ज्यादा थे। क्वेश्चन से याद है आपको साहित्य में से? साहित्य में से बुक्स पूछी थी, मतलब बहुत पुरानी थी बुक्स थी उसमें, ऑप्शन से पता चल गई थी लेकिन। हाँ। और उसमें पर्यायवाची वगैरह भी बहुत थे, 3-4 मतलब पर्यायवाची ऐसे थी, ऊपर 4 पर्यायवाची लिखे हैं तो उसमें नीचे पूछा है इनमें से कौन सा इसका एक और है। हाँ, अलंकार से क्वेश्चन आया? अलंकार से? हाँ, अलंकार से क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन? मुहावरे भी आए थे और तत्सम तद्भव वगैरह यही आए थे। अच्छा अच्छा, मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का बहुत अच्छा था और रीजनिंग का भी बहुत अच्छा था और हिंदी भी अच्छी थी, बस फिजिक्स में थोड़ा हार्ड लगा था क्योंकि इसमें नियम वगैरह थ्योरेटिकल था। क्या कहना चाहेंगे जिनका अभी पेपर है कल परसों में, क्या पढ़ के आया? मतलब हिंदी की तो टेंशन ना ले, जितनी है अच्छे से करे, और रीजनिंग और मैथ की मैं बोलती हूँ मतलब ना ले, लेकिन साहित्य वगैरह ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। चलिए, मैम ऑल द बेस्ट। आया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया? सारे। ओके, बाकी ये बताओ हिंदी में कैसा आ रहा? हिंदी में वैसे ही जैसा आता है नॉर्मल। साहित्य में से कितने क्वेश्चन आए? साहित्य में इसमें लगभग 4-5 आए थे वैसे। हाँ, ऑथर के नाम जो पूछे जाते हैं वो आए थे, और उनकी जो बुक्स आती हैं राइटर की वो आई थी, 4-5 क्वेश्चन। और लेखक कवि इनमें से रिलेटेड? पुरस्कार शायद 2 क्वेश्चन के समथिंग आए थे। अच्छा अच्छा। अलंकार से कितने क्वेश्चन आए? अलंकार वगैरह तो हाँ एक आया था, एक ही आया था। मुहावरे क्या क्या आया था, एक आध याद है आपको? हिंदी हाँ, मुहावरे 3-4 क्वेश्चन आए थे। एक आध याद है मुहावरे किस तरह का याद किया जाए तो एक तो वो था आँखों पर बैल पड़ जाना ऐसे कुछ। हाँ, संधि संद कारक से? संधि से नहीं आया एक 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 समास में से आया था शायद। संद से? सन का नहीं मालूम मुझे। हिंदी में रीजनिंग में कैसा था? रीजनिंग में ठीक था। फाइनल भी पेपर दिया? अच्छा, रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग में मिरर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आई थिंक मिरर के आए थे। मिरर के आए थे और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह एक ही आया था उसका। एक ही आया था। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल अच्छा था, हर एक पोर्शन से आया था उसमें, 3-4 क्वेश्चन तो क्वेश्चन किन में से आया? मेंशुरेशन से 3-4 क्वेश्चन। हाँ, मेंशुरेशन से ही ज़्यादा आया फिर। हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे, नहीं ऐसा कह नहीं सकते सबसे आए थे वो तो। टाइम एंड वॉर, टाइम एंड डिस्टेंस इनमें से? इसमें से आए थे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आए थे इसमें से। टाइम एंड परसेंटेज का? परसेंटेज का नहीं था शायद, एक परसेंटेज का एक भी नहीं था। अच्छा, लास्ट में आप जीएस का थोड़ा बहुत बता दो, थोड़ा हिंट का कहा जाए तो फिजिक्स का बहुत आया था, और उसमें जो है फिजिक्स का पिछले कुछ दिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा था, आज न्यूमेरिकल ज्यादा ही आते हैं? 8 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल का। हाँ,
क्या क्या टॉपिक था, एक दो थोड़ा सा टॉपिक इसमें यही था मैग्नेटिक का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह इन सब के ज़्यादा क्वेश्चन। मैग्नेट से क्या क्वेश्चन था? मैग्नेट के काफ़ी क्वेश्चन थे, मैग्नेटिक भारी पड़ी थी फिजिक्स में सारा मैग्नेटिक और वही करंट उसमें से विद्युत से क्या और हाँ ग्रेविटेशन के भी आए थे, न्यूटन्स लॉ आए थे 203 क्वेश्चन। हाँ अच्छा, उसमें से विद्युत में से कितने क्वेश्चन था? विद्युत से हाँ बहुत सारे थे, पूरे फिजिक्स में वही दिखाई दे रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल पूरा करंट वगैरह जो सिलेबस में दे रखा है वर्क एंड एनर्जी। हाँ नहीं नहीं फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन होता है ना किस टाइप का आ रहा है थोड़ा इतना कौन याद रखते 160 क्वेश्चन।